टेंथ क्लास स्टूडेंट, चैप्टर इज दो चोरों का रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 3.6, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, वन अपॉन 2x प्लस वन अपॉन 3y इजिकल टू 2, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। वन अपॉन 3x प्लस वन अपॉन 2y इजिकल टू 13/6। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण सेकेंड, सबसे पहले मानते हैं वन अपॉन एक्स इजिकल टू ए और वन अपॉन वाई इजिकल टू बी। तो समीकरण बनेगी a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 इजिकल टू 2। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 2 से डिवाइड करके 3, 3a प्लस डिवाइड करके 2, 2b इजिकल टू 2, 6 डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा, 3a प्लस 2b इजिकल टू 2 इंटू 6, 3a प्लस 2b इजिकल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है हमारी। ऐसे ही समीकरण वन अप ए अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 2 इजिकल टू 13/6। एलसीएम लेते हैं, 2a प्लस 3b इजिकल टू 13/6, इधर ये मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a प्लस 3b इजिकल टू 13/6/6, 6 से 6 कट जाता है, a 2a प्लस 3b इजिकल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है। 3 और 4 को सॉल्व करते हैं, 2a प्लस 3b इजिकल टू 13, ये हमारी नंबर 4 है। विलोपन से करेंगे आगे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर समीकरण नंबर 3 और 3 की मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 4 में करते हैं। तो समीकरण 3 में 2 तथा समीकरण 4 में 3 की मल्टीप्लाई करने पर, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 ए प्लस 4 4b इक्वल 12 2 जा 24। ये तो समीकरण नंबर 3 आ जाती है। जब 3 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 इजिकल टू 13 3 जा 39। ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है मल्टीप्लाई करने के बाद। दोनों का चिन्ह समान है, किसको इक्वल किया है हमने, ए को इक्वल किया है, सिक्स ए के चिन्ह समान है, तो घटाने पर लिखना होगा,
सिक्स ए कट जाएगा, प्लस का फोर एन माइनस का नाइन हो गया, तो फाइव बी बचेगा माइनस का, मल्टीप्लाई माइनस 24 प्लस का है और 39 माइनस का है, तो माइनस का बचेगा 15, माइनस से प्लस हो जाएगा, बी इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड बनेगा, तो 5 थ्री जा बी की वैल्यू 3 आ जाती है। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब बी का मान समीकरण 3 या 4 में रखेंगे, 1 और 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 और 2 में ए और बी है ही नहीं। तो समीकरण 3 क्या है हमारी, 3a + 2b इजिकल टू 12, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 2 × b, बी की वैल्यू 3 इजिकल टू 12, 3a मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6 इजिकल टू 12, 3a इजिकल टू 6, इधर प्लस का है तो 12 के साइड में जा इक्वल से उस साइड में जाके माइनस का बन जाएगा, माइनस करने के बाद 6 आएगा, a की वैल्यू 6/3, 3 मल्टीप्लाई है डिवाइड बनेगा, तो a की वैल्यू 2 आ जाती है। परंतु हमने a और b की वैल्यू फाइंड तो कर ली, परंतु क्वेश्चन में क्या है, x और y है, a इक्वल हमने क्या माना था, a इक्वल हमने 1/x तथा b इक्वल हमने 1/y को माना था, कमान रखने पर a की वैल्यू क्या आई है हमारी, 2। रियली में a की वैल्यू को क्या माना है, 1/x, तो 2/b1 कर देते हैं। ऐसे b की वैल्यू क्या आई है, 3। b रियली में क्या है, 1/y, तो 3/y व्यत कर्म यानी कि रैसी को कल करने पर x इजिकल टू 1/2। ऐसे इधर व्युत्क्रम करने पर y ऊपर चला जाएगा, इधर 3 नीचे आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट इस बार इक्वेशन अंडर रूट में है। क्या है इक्वेशन, सेकंड पार्ट 2/√x प्लस 3/√y इजिकल टू 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। 4/√x इजिकल माइनस 9/√y इजिकल टू माइनस 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है जो क्वेश्चन में दी गई है। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, माना 1/√x इजिकल टू a और 1/√y इजिकल टू b, तो क्या आ गया, 2a + 3b इजिकल टू 2, ये इक्वेशन हमारी 3 बन गई। 4a
माइनस नाइन बी इजिकल टू माइनस वन, ये इक्वेशन हमारी फोर बन जाती है। अब या तो ई को इक्वल कर लो या बी को करने के लिए समीकरण तीन में तीन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समीकरण तीन में थ्री से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स ए प्लस थ्री थ्री जा नाइन बी इजिकल टू थ्री टू जा सिक्स, ये तो इक्वेशन थ्री हो गई मल्टीप्लाई होने के बाद। फोर ए माइनस नाइन बी इजिकल टू माइनस वन, ये इक्वेशन हमारी फोर, दोनों के साइन क्या है, ओपोजिट साइन। ओपोजिट साइन को जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होंगे, तो सिक्स ए और फोर ए हो जाएंगे प्लस करके टेन ए, माइनस सिक्स में से माइनस वन गया फाइव, ए की वैल्यू आ गई हमारी फाइव, टेन अपॉन में जाएगा वन अपॉन टू आ जाती है, ए की वैल्यू हमने वन बाई टू फाइंड की है। ए का मान समीकरण तीन में रखने पर, तीन में रख सकते हैं या चार में, बात सेम है। समीकरण तीन हमारी क्या है, थ्री बी इजिकल टू टू, ए को हमने ए की वैल्यू क्या आई है वन बाई टू, प्लस बी थ्री बी ऐसे ही लिखा जाएगा, टू भी ऐसे ही लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद टू से टू कट जाएगा, वन वन जा वन, वन प्लस थ्री बी इजिकल टू टू, अब वन इधर जाएगा, थ्री बी इजिकल टू टू माइनस वन, थ्री बी इजिकल टू वन, और बी की वैल्यू वन अपॉन थ्री आ जाती है। हमने ए और बी की वैल्यू तो फाइंड कर ली, परंतु ए बी नहीं है, हमारे इक्वेशन में एक्स और वाई है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इजिकल टू क्या माना था हमने, अंडर रूट एक्स, तथा बी इजिकल टू वन अपॉन अंडर रूट वाई का मान रखने पर ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू वन अपॉन टू, बी की वैल्यू वन अपॉन थ्री आई है। सिंपलीफाई करने ए की जगह हम वन अपॉन अंडर रूट एक्स लिखेंगे, व्युत्क्रम करेंगे यानी कि रेसिप्रोकल करने पर, रेसिप्रोकल करने के बाद अंडर रूट एक्स इजिकल टू टू, अंडर रूट उधर जाएगा, उधर जाके क्या बनेगा, टू का स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू टू, टू का स्क्वायर फोर, तो एक्स की वैल्यू फोर आ जाती है। ऐसे ही बी की वैल्यू क्या है हमारी, वन अपॉन अंडर रूट वाई को माना था हमने बी, वन अपॉन थ्री, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल करने पर अंडर रूट वाई इजिकल टू थ्री चेंज हो जाएंगे, डेनोमेटर डिनोमिनेटर बन जाएंगे। अब ये अंडर रूट इधर जाएगा या स्क्वायरिंग दी बोथ साइड कर लेना, तो y इजिकल टू थ्री का स्क्वायर, वर्गमूल उधर जाके वर्ग बनेगा, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, x की वैल्यू फोर आई हमारी और y की वैल्यू नाइन आई है। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट होने के बाद क्वेश्चन हम थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा
थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है हमारा फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 14। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड है 3x, 3 अपॉन x माइनस 4y इक्वल टू 23। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। इसमें मान भी नहीं सकते क्योंकि एक साइड में दोनों को नहीं माना जाएगा। मान के भी किया जा सकता है, विदाउट लेट करके भी किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम वाई को इक्वल करेंगे, तो वाई को इक्वल करने के लिए फोर की मल्टीप्लाई ऊपर और थ्री की मल्टीप्लाई इक्वेशन टू में करने पड़ेगी। तो समीकरण वन में फोर तथा समीकरण टू में थ्री की मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? जब फोर की मल्टीप्लाई करेगी तो फोर फोर जा 16 अपॉन एक्स प्लस फोर थ्री या 12y, फोर फोर की मल्टीप्लाई 14 फोर जा 56। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब थ्री से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, x प्लस माइनस 12y इजिकल टू 23, 3 जा 69। ये हमने y को इक्वल किया है, दोनों का समान साइन है, अपोजिट साइन है, तो जोड़ने पर y से y कट जाएगा। ये दोनों प्लस है, 16 प्लस एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स इजिकल टू, इधर प्लस हो गए 125 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लेते हैं। इधर एलसीएम एक्स आएगा, 16 प्लस 9 इजिकल टू 125, तो 25 अपॉन एक्स इजिकल टू 125 के अपॉन 1 लिख और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 125 इंटू एक्स इजिकल टू 25, एक्स इजिकल टू 25 अपॉन 125, 25 बन जा और एक्स की वैल्यू 1/5 आ जाती है। अब एक्स की वैल्यू समीकरण एक में रखेंगे या दो में रखेंगे तो एक्स का मान समीकरण वन में रखते हैं। वन में रखने पर समीकरण वन क्या है हमारी? फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू 40। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एक्स की वैल्यू क्या निकाली है हमने? 1/5 प्लस 3 अपॉन वाई इजिकल टू 14, 5 4 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 3y इजिकल टू 14, 20 प्लस 3y इजिकल टू 14, 3y इजिकल टू 14 माइनस 20 प्लस, इधर जाके माइनस बनेगा तो 3y की वैल्यू माइनस करने के बाद माइनस 6 आएगा और y की वैल्यू माइनस 6 अपॉन 3, 3 टू जा 6, y की वैल्यू माइनस 2 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का थर्ड पार्ट इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन, थैंक यू।